बेटियों का कौन सा विवाह धर्म के विरुद्ध नहीं होता। ज्ञानवर्धक कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक बड़ी छोटी कहानी। ये कहानी आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक है। ये कहानी उन माँ बाप के लिए बहुत अच्छी जानकारी दे करके जाएगी जिन माँ बाप के घर में उनकी बेटी विवाह के योग्य है, शादी के लायक है। दोस्तों, इस कहानी में आज का हमारा विषय है, आज का टाइटल है कि बेटियों का कौन सा विवाह है जो धर्म के विरुद्ध नहीं होता। आइए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि वह कौन सा विवाह है जो बेटी का विवाह करते हैं वो धर्म के विरुद्ध नहीं होता है। कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है और शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक सुने, वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को स्किप करके आगे ना बढ़ाएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं ये कहानी और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि बेटियों का कौन सा विवाह है जिसके करने से वह धर्म के विरुद्ध नहीं होता। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, पुरु वंश में एक परिवर्तक परम प्रतापशाली राजा दुष्यंत हुए थे। वह राजा बहुत ही प्रतापी और धर्मज्ञ राजा थे। समुद्र से घिरे हुए बहुत से प्रदेश और मलेच्छों के देश भी उनके अधीन थे। वह अपनी प्रजा का पालन शासन बड़ी योग्यता के साथ किया करते थे। उनके राज्य में वर्ण संकर नहीं थे। खेती और खानों के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। पाप तो कोई करता ही नहीं था दोस्तों, सभी धर्म के प्रेमी थे, इसलिए धर्म और अर्थ दोनों ही स्वतः प्राप्त थे। चोर भूख अथवा रोग का भय बिल्कुल नहीं था। सभी लोग अपने अपने धर्म में संतुष्ट थे और राज्य श्रेय में निर्भय रहकर निष्काम धर्म का पालन किया करते थे। समय पर वर्षा होती थी, अन्न सरस होते थे और पृथ्वी सब प्रकार के रतन और पशुधन से परिपूर्ण थी। दोस्तों, ब्राह्मण कर्मनिष्ठ थे और छल कपट पाखंडी छाया भी उन्हें नहीं छूती थी। दुष्यंत स्वयं एक बलवान युवक थे। उनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह वन उपवन सहित मंदराचल को उखाड़ कर धारण कर सकते थे। वह गधा युद्ध के प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिक्षेप चारों प्रकारों में और शस्त्र विद्या में बड़े ही निपुण थे। घोड़े और हाथी की सवारी में कोई उनका सानी नहीं था। वह विष्णु के समान बलवान, सूर्य के समान तेजस्वी, समुद्र के समान अक्षोभ्य और पृथ्वी के समान क्षमाशील थे। नागरिक और देशवासी प्रेम से उनका सम्मान करते और वह धर्म बुद्धि से सबका शासन किया करते थे। कहने का मतलब है दोस्तों, उनके शासन काल में सर्व संपन्न और सर्व सुखी थे। प्रिय दोस्तों, एक दिन की बात है, महाभाव राजा दुष्यंत अपनी चतुरंगड़ी सेना के साथ किसी गहन वन में जा पहुंचे। उसे पार करने पर उन्हें एक मनोहर आश्रम युक्त उपवन मिला। ये उपवन बड़ा ही सुंदर था। वहां के वृक्ष खिले हुए पुष्पों से लद रहे थे। दुर्वा दलों से पृथ्वी हरी भरी हो रही थी। सुंदर सुंदर पक्षी मधुर स्वरों से चहक रहे थे, अपनी ध्वनि कर रहे थे। कई कोकिलों की कूकू तो कई भौरों की गुंजार थी। राजा दुष्यंत उपवन की शोभा देख ही रहे थे कि उनकी दृष्टि उस मनोरम आश्रम पर पड़ी। उस आश्रम में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही थी। वालखिल्य आदि ऋषि यज्ञशाला पुष्प और जलाशयों के कारण उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी। दोस्तों, सामने ही मालिनी नदी बह रही थी जिसका जल बड़ा स्वादिष्ट था। अनेकों ऋषि मुनि आसन लगाए ध्यान मगन थे। ब्राह्मण देवताओं की पूजा कर रहे थे। राजा को ऐसा मालूम हुआ मानो मैं ब्रह्मलोक में खड़ा हूं। प्रिय दोस्तों, दुष्यंत के नेत्र और मन वन की छटा देखकर तृप्त नहीं होते थे। इस प्रकार राजा दुष्यंत ने सब देखते सुनते कश्यप गोत्रीय कण्व ऋषि के एकांत और मनोहर आश्रम में मंत्री और पुरोहितों के साथ प्रवेश कर दिया। दोस्तों, दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहितों को आश्रम के द्वार पर ही रोक दिया
और स्वयं भीतर गए। वहां उस समय कण्व ऋषि उपस्थित नहीं थे। राजा ने आश्रमों को सूना देखकर ऊंचे स्वर से पुकारा, यहाँ कौन है? दुष्यंत की आवाज सुनकर एक लक्ष्मी के समान सुंदरी कन्या तपस्विनी के भेष में आश्रम से निकली। उसने राजा दुष्यंत को देख करके सम्मान पूर्वक कहा कि स्वागत है आपका। फिर उसने आसन पाद और आराध्य के द्वारा राजा का आतिथ्य करके उनसे स्वास्थ्य और कुशल के संबंध में प्रश्न किया। स्वागत सत्कार के बाद उस तपस्विनी कन्या ने तनिक मुस्कुरा करके पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? दोस्तों, राजा दुष्यंत ने सर्वांग सुंदरी एवं मधुर भाषणी कन्या की ओर देख करके कहा कि मैं परम भाग्यशाली महर्षि कण्व का दर्शन करने के लिए आया हूं। वे इस समय कहां हैं? कृपा करके मुझे बतलाइए। दोस्तों, शकुंतला ने कहा, मेरे पूजनीय पिताजी फल फूल लेने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं, आप घड़ी दो घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए, तब उनसे मिल सकेंगे। दोस्तों, शकुंतला की भरी जवानी और अनुपम रूप देखकर दुष्यंत ने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है और किस लिए यहाँ आई हो? तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। प्रिय दोस्तों, तब शकुंतला ने बड़ी मिठास के साथ कहा कि मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। राजा ने कहा, हे कल्याणी, विश्ववंद महर्षि कण्व तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, धर्म अपने स्थान से विचलित हो सकता है परंतु वे नहीं, ऐसी दशा में तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? तब शकुंतला ने कहा कि हे राजा, एक ऋषि के पूछने पर मेरे पूजनीय पिता कण्व ने मेरे जन्म की कहानी सुनाई थी, उससे मैं जान सकी हूँ कि जिस समय परम प्रतापी विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र ने उनके तप में विघ्न डालने के लिए मेनका नाम की अप्सरा भेजी थी, उसी के संयोग से मेरा जन्म हुआ है। माता मुझे वन में छोड़कर चली गई, तब शकुंतों यानी पक्षियों ने सिंह व्याघ्र आदि भयानक जंतुओं से मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा है। महर्षि कण्व ने वहां से उठा लाकर मेरा पालन पोषण किया। शरीर का जनक, प्राणों का रक्षक और अन्नदाता, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार मैं महर्षि कण्व की धर्मपुत्री हूं। दोस्तों, दुष्यंत ने कहा कि हे कल्याणी, जैसा तुम कह रही हो, तुम ब्राह्मण कन्या नहीं राजकन्या, इसलिए तुम मेरी पत्नी हो जाओ। हे सुंदरी, तुम गंधर्व विधि से मुझसे विवाह कर लो। राजाओं के लिए गंधर्व विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शकुंतला ने कहा, मेरे पिताजी इस समय यहाँ नहीं हैं, आप थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कीजिए, वे आकर मुझे आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। तब दुष्यंत ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, ये भी चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वयं वरण कर लो, मुझसे विवाह कर लो। मनुष्य स्वयं ही अपना हितैषी और जिम्मेदार है, तुम धर्म के अनुसार स्वयं ही मुझे अपना दान करो। शकुंतला ने कहा कि हे राजन, यदि आप इसे ही धर्म पथ समझते हैं और मुझे स्वयं अपने को दान करने का अधिकार है, तो आप मेरी शर्त सुन लीजिए। मैं सच सच कहती हूं कि आप ये प्रतिज्ञा कर लीजिए, मेरे बाद तुम्हारा ही पुत्र सम्राट होगा और मेरे जीवन काल में ही वह युवराज बन जाएगा, तो मैं आपको स्वीकार कर सकती हूँ। प्रिय दोस्तों, दुष्यंत ने बिना सोचे कुछ विचारे कुछ प्रतिज्ञा कर ली और गंधर्व विधि से शकुंतला का परिग्रहण कर लिया, यानी विवाह कर लिया। दोस्तों, दुष्यंत ने उसके साथ समागम करके बार बार ये विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें लाने के लिए चतुरंगी सेना भेजूंगा और शीघ्र से शीघ्र तुम्हें अपने महल में ले चलूंगा। इस प्रकार कह सुनकर दुष्यंत अपनी राजधानी के लिए दोस्तों रवाना हो। उनके मन में बड़ी चिंता थी कि महर्षि कण्व ये सब सुनकर न जाने क्या करेंगे, क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। ये दोस्तों दुष्यंत के मन में चिंता थी और उधर शकुंतला के हृदय में भी चिंता थी। इधर दोस्तों थोड़ी देर बाद महर्षि कण्व आश्रम पर आ पहुंचे, परंतु शकुंतला लज्जा बस उनके पास नहीं गई। त्रिकालदर्शी कण्व ने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जानकर प्रसन्नता के साथ शकुंतला से कहा कि बेटी, तुमने मुझसे बिना पूछे एकांत में जो काम किया है, ये धर्म के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों के लिए गंधर्व विवाह शास्त्र सम्मत है। शास्त्र हमारे ये इजाजत देते हैं कि क्षत्रिय लोग अपना गंधर्व विवाह कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है और धर्म के विरुद्ध नहीं है। और कहा कि बेटी, दुष्यंत एक धर्मात्मा उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष है, उनके संयोग से बड़ा बलवान पुत्र तुम्हारे पैदा होगा और वही सारी पृथ्वी का राजा होगा। जब वह शत्रुओं पर चढ़ाई करेगा, उसका रथ कहीं भी नहीं रुकेगा।
दोस्तों अपने पिता के ये वचन सुनने के बाद शकुंतला ने हाथ जोड़ करके कहा कि पिताजी अब हमारे पति महाराज दुष्यंत के लिए भी कुछ वरदान दो। तब दोस्तों शकुंतला के कहने पर महर्षि कर्म ने दुष्यंत को वर दिया कि उसकी बुद्धि धर्म में दृढ़ रहेगी और राज्य अविचल रहेगा और वे धर्मात्मा और शक्तिशाली ही राजा बनकर के अपना राज्य हमेशा चलाएगा। दोस्तों इतने शब्द सुनकर के पिताजी के वे शकुंतला बड़ा ही खुश हो जाती है और कुछ समय के बाद में अपने पति दुष्यंत के साथ चली जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी राजा दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की। इस कहानी में हमारे लिए शिक्षा मिलती है, ये कहानी दोस्तों आपको सिखाती है कि बेटी अगर गंधर्व विवाह कर रही है तो उसमें कोई दोष नहीं है और दोस्तों वह धर्म के विरुद्ध नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। यदि बेटियां अच्छे लड़का यानी जो लड़का धर्म पर चलने वाला है, क्षत्रिय है, क्षत्रियों के काम करता है, शरीर से बलवान है, कभी अधर्म का रास्ता देखता नहीं है, जिसके अंदर दया भाव सील सब कुछ है और ऐसे लड़का के साथ अगर आपकी बेटी गंधर्व विवाह करना चाहती है तो इसमें कोई दोष नहीं है उस बेटी के लिए भी और माँ बाप के लिए भी, क्योंकि ये बात कण्व ऋषि ने अपनी बेटी शकुंतला के लिए दोस्तों बताई थी कि अच्छा लड़का यदि क्षत्रिय है जिसके पास दयाशील वीरता स्वभाव सब कुछ अच्छा है और उसके साथ अगर पुत्री गंधर्व विवाह करती है तो इसमें कोई दोष नहीं है और ये धर्म के विरुद्ध नहीं होता। क्योंकि दोस्तों गंधर्व विवाह कहते हैं लव मैरिज यानी प्रेम में शादी। जो आज प्रेम में शादियां होती हैं, जो लड़कियां प्रेम विवाह करती हैं उसी को गंधर्व विवाह कहते हैं, जिसके लिए हमारे शास्त्रों ने और महात्मा कण्व ऋषि ने धर्म के विरुद्ध नहीं बताया है, ना इसमें कोई दोष ठहराया है, ऐसा शास्त्र हमारे कहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये कहानी शकुंतला और राजा दुष्यंत के विवाह की? अगर आपके लिए समझ में आया है, अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए राय जरूर देना और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब दोस्तों क्षमा चाहते हैं, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।